लड़के पिता को गले नहीं लगाते, लड़के पिता के गालों को नहीं चूमते और ना ही पिता की गोद में सर रखकर सुकून से सोते हैं। पिता और पुत्र का संबंध मर्यादित होता है। बाहर रहने वाले लड़के अक्सर जब घर पर फोन करते हैं तो उनकी बात माँ से होती है। पीछे से कुछ दबे दबे शब्दों में पिताजी भी कुछ कहते हैं, सवाल करते हैं या सलाह तो देते ही हैं। जब कुछ नहीं होता है कहने को तो खांसने की हल्की सी आवाज़ उनकी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए काफ़ी होती है। पिता की शिथिल होती तबीयत का हाल भी लड़के माँ से ही पूछते हैं और दवाइयों की सलाह, परहेज इत्यादि भी लड़के माँ के द्वारा ही पिता तक पहुँचाते हैं। जैसे बचपन में कहीं चोट लगने पर माँ से लिपट कर रोते थे, वैसे ही युवावस्था में लगी ठोकरों के कारण अपने पिता से लिपट कर रोना चाहते हैं और अपने पिता की चिंताएँ आपस में साझा करना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर सकते। पिता और पुत्र शुरुआत से एक दूरी में रहते हैं, दूरी अदब की, लिहाज की, संस्कार की या फिर जनरेशन गैप की। हर बेटे का मन करता है कि वो दुनिया को लागता हुआ जाए और अपने पिता को गले लगा कर कहे, पापा आई लव यू। जिस प्रकार मातृ दिवस पर माँ को शुभकामनाएँ देता है, वैसे ही पिता को प्यार करने का एक लड़के का सपना होता है, मगर लड़के यह नहीं कर पाते। वो माँ से जितना प्रेम करते हैं, पिता का उतना ही सम्मान, अदब और लिहाज करते हैं, और ये सम्मान और लिहाज की दीवारें इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि इनको पार करना लगभग नामुमकिन है।